बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामदिन चैनल हेयर केमिस्ट्री लेक्चर एट एबसेक बदीन कैंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमारा टॉपिक था केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आज हमारा टॉपिक है कंडेंस्ड फार्मूला, टाइप नंबर 3। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? The formula that indicates the group of atoms joined together to each carbon atom in straight chain or branch chain is called as a condensed formula. Just like यहाँ पर देखो N-butane or isobutane, this is a straight chain, so also known as a normal butane. N stands for normal. This is a simply branched chain. Second carbon पर जो है ना एक methyl group लगा हुआ है, इसको हम iso कहते हैं simply. सो दिस इज़ नोन एज आइसोब्यूटेन। सो अगर इसको हम देखेंगे तो जस्ट लाइक यहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में जो बॉन्डिंग उसकी जो है ना शो हो रही है, लेकिन अदर एलिमेंट्स की बॉन्डिंग शो नहीं हो रही। जैसे कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे थे, कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से शो हो रही थी और जो है कार्बन की कार्बन से। सो यहाँ पे ओनली द बॉन्डिंग बिटवीन टू कार्बन इज शोन। दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज़ नोन एज अ कंडेंस्ड फार्मूला। सिंपली कंडेंस्ड फार्मूला हम ये भी कह सकते हैं कि जो जमा हुआ फार्मूला सिंपली वो भी कह सकते हैं। सिंपली कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला दैट इंडिकेट्स ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज नोन एज अ कंडेंस्ड फार्मूला, जस्ट लाइक एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इलेक्ट्रो अनदर टाइप इज इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एन क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक डॉट एन क्रॉस फार्मूला द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने पढ़ा है जो कोवेलन बॉन्ड होता है, सिंपली कोवेलन बॉन्ड क्या होता है? वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कोवेलन बॉन्ड। सो ऑलवेज इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज अ कोवेलन बॉन्ड। द फार्मूला विच शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन अ वन एन वन मालिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ डॉट एन क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शो हो रही होती है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सिंपली, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द सिंपली दिस मालिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो कि कार्बन, ये एक हमें पता है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे देखो कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, सिंपली इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक क्रॉस है सिंपली। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ क्रॉस। दिस आल्सो रिप्रेजेंट व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है। क्रॉस एज वेल एज डॉट रिप्रेजेंट व्हाट इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको समझाया कि भाई जो कोवेलन बॉन्ड होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इससे यहाँ पर सिंगल कोवेलन बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में दो एलिमेंट्स शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा सिंपली। यहाँ पर ये क्रॉस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके इसका इलेक्ट्रॉन, ये डॉट इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, ये इसको शो कर रही है सिंपली। यहाँ पे आपस में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद जो है शेयरिंग होगी, शेयरिंग होने के बाद बॉन्ड बनेगा। दिस टाइप ऑफ सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मालिक्यूल इज नोन एज सिंपली इलेक्ट्रॉनिक आर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है? ये कि ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जो है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शो होती है इन मॉलिक्यूल, और जो एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं उनकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो रिप्रेजेंटेड होती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और क्रॉस फार्मूला। सिंपली देर आर 4 टाइप्स ऑफ द फार्मूला विच इज बींग डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सिंपली इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनके नंबर्स या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट बाय मींस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला।
सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करता है, रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें एग्जैक्ट जो है ना अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल की शो हो रही है, जस्ट लाइक आइदर इट इज स्ट्रेट चेन और इट इज ब्रांच चेन सिंपली इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड वन, थर्ड वन इज कंडेंस फार्मूला, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। इसमें जो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में जो सैम्पली ज्वाइंट है ना उनको रिप्रेजेंट कर रही है कंडेंस फार्मूला सैम्पली। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जो आपस में एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एक एटम शेयर कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस वर सम बेसिक सैम्पली टाइप्स ऑफ दी केमिकल फार्मूला। वन वाज मॉलिक्यूलर, अनदर वाज स्ट्रक्चरल, थर्ड वन वाज कंडेंस एंड इलेक्ट्रॉन फार्मूला। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच।